सरकार शेख जो है राजस्थान लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कैंपेन कमेटी का गठन किया गया है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत 32 नेताओं के नाम शामिल है। गहलोत को कांग्रेस कैंपेन कमेटी PCC राजस्थान का चेयरमैन बनाया है। डॉक्टर CP जोशी को चेयरमैन, प्रताप सिंह खाचरियावास कन्वीनर, रफीक खान व अशोक चंदना को कन्वीनर बनाया गया है। वहीं शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा, जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, संयम लोडा, टीकाराम जूली, हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी, ममता भूपेश, दानिश अबरार, शकुंतला रावत, नीरज डांगी, रतन देवासी, धर्मेंद्र राठौर समेत अन्य 32 नेता कैंपेन कमेटी के मेंबर बनाए गए हैं। कमेटी में धर्मेंद्र राठौर, दिनेश खोडनिया और राजेंद्र सोलंकी के नाम शामिल है। काबिले जिक्र है कि राजस्थान सभी 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहला चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। इस चरण में 12 सीटों पर चुनाव होंगे। इनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और जयपुर ग्रामीण के अलावा अलवर, भरतपुर और करौली धौलपुर के साथ नागौर लोकसभा सीट पर मतदान होंगे। इस प्रकार दूसरे चरण में 26 अप्रैल को राज्य के बाकी 13 सीटों के लिए मतदान कराए जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कमेटी में गहलोत पायलट समर्थक नेताओं को जगह मिली है। पार्टी आलाकमान ने दोनों कैंपों के नेताओं को शामिल कर साफ संकेत दिया है कि सभी को साथ लेकर चलेंगे। सियासी जानकारों का ये भी कहना है कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस BJP के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस ने BJP की हैट्रिक रोकने के लिए गठबंधन किया है। नागौर हनुमान बेनीवाल और सीकर सीट आमाराम के लिए छोड़ दी है, जबकि दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन इसके बावजूद यह सीट गठबंधन के लिए छोड़ दी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपके विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें ऐसे तमाम खबरों के लिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।